आज कराते क्लास है बीस ग्यारह 1967। त्रिमूर्ति है और उसके नीचे भी जो लिखा हुआ है और जो फिर बाबा समझाते रहते हैं, पहले क्या, पहले त्रिमूर्ति साक्षात्कार से तैयार हुई, फिर लिखा तो बाद में लिखी गई या साथ ही है, लिखा तो बाद में लिखी गई। तो जो लिखा हुआ है वो उसको बाबा समझाते हैं, कि गीता का भगवान वो नहीं है, वो नहीं है, वो है। उसका भी तो वो, ये जैसे बन करके आते हैं ना, जैसे ये रखा है सामने त्रिमूर्ति का चित्र, तो बात हुई गीता के भगवान की। तो मूर्ति में कौन हुआ गीता का भगवान? वो नहीं है, वो नहीं है, वो है, है? और वो जो है उसका भी तो वो है। तो ये चित्र जैसे बन करके आते हैं ना, तो ये तुम्हारे सामने रखा है। और दूसरी वाणी में क्या बोला है, ये त्रिमूर्ति का चित्र है, एक्यूरेट है? हा, एक्यूरेट नहीं है। और तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए है। तो त्रिमूर्ति में जो बोला इशारा करके गीता का भगवान वो नहीं है, तो कौन नहीं है? त्रिमूर्ति में ध्यान से देखो, देखा कभी है कि वो नहीं है, कौन नहीं है? कौन, लिखो एक अक्षर लिखो, वो नहीं है, वो है। अच्छा, ब्रह्मा नहीं है, वो है, कौन है वो? है शंकर है। अरे उसका भी तो वो है। ये जैसे बनकर के आते हैं ना चित्र साक्षात्कार से, है जैसे ये सामने रखा है त्रिमूर्ति का चित्र। अभी अखबार में तो इतने नहीं पढ़ते हैं, है जितने आगे चलकर के पढ़ेंगे। तो जो आगे चल के पढ़ेंगे अखबारों में पढ़ेंगे चारों ओर सारी दुनिया में, तो वो यथार्थ चित्र पढ़ेगा, या जो अभी त्रिमूर्ति में चित्र डाले गए हैं वो पढ़ेंगे है? जो यथार्थ हैं सो डाले जाएंगे है?
अभी इतने क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये अयथार्थ है, तो न समझाने वाले समझते हैं और न समझने वाले समझेंगे। तो अखबार में इतने नहीं पढ़ते हैं बड़े बड़े, और अक्षर भी पतले ही होते हैं अखबार में है? तो अभी माने 1967 में इन बच्चों को काम देते हैं, ये जो श्याम किशोरी है ना, किसकी किशोरी है? श्याम की किशोरी, कौन श्याम? अरे श्याम माने पतित, काला माने पतित, तो कौन पतित है? कौन पतित? अरे पतित से पतित कामी काटे में आते हैं ना, मुकर्रर रथ, तो उसकी किशोरी कौन हुई? किशोरी है, जो किशोरी है जो अंग्रेजी भी जानती है या हिंदी भी जानती है, कि बाबा को एक कालम बनाकर दियो, क्योंकि अखबार का कालम है 2 इंची का, कालम होता है ना अखबार का, वो 2 इंची का होता है। क्यों 2 इंची का क्यों होता है? एक एक कालम 2-2 इंच का होता है, क्यों? क्योंकि अखबार तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, 10-12-15 पेज का होता है, 16-16 पेज का भी आ जाता है, तो अगर ऐसे पढ़ेंगे दूसरों को सुनाएंगे बैठ के तो सुबह से शाम अखबार पढ़ने में ही हो जाएंगे। तो कालम छोटा इसलिए बनाया जाता है कि वो 2 इंच का कालम एक लाइन फटाक से एक ही नजर में समझ में आ जाए, कोई पढ़ने की दरकार है ही नहीं। हाँ, तो पीछे चाहिए तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, इंच भी ले सकते हैं, अरे 4 इंच ले सकते हैं। मैं तो समझता हूं अखबार का कितने भी चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, और ब्लॉक बनाना पड़ेगा त्रिभुवी का, तो ब्लॉक अपना अच्छा है, जो अच्छा क्लियर है, क्योंकि कम लिखत है, और उसके नीचे वो भी लिखना है जरूर, वो भी लिखना है, क्या लिखना है वो नहीं बताया, ऊपर भी वो कर दिया। हाँ, लिखना जरूर है वो, और ये जो कृष्ण का है वो जो लिखा हुआ है लिखत, क्योंकि अखबार में पढ़ेंगे तो अखबार तो अक्सर करके बहुत पढ़ते भी है ना, बाबा का तो विचार है कि अखबार का जांच करके ये से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कि भाई 1000 इंच हम लेंगे है। तो जब चाहिएगा तब डालेगा, जितना चाहिएगा उतना डालेगा, उनका जो रेट होवे अगर उनको अच्छी तरह से एडिटर को समझाएंगे
है, सुनाने की बात नहीं है। क्या सुनाया? तो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा। लेकिन तुम बच्चों को क्या करना है? समझाना है गहराई से। तो जो नामी ग्रामी अखबार हैं, ये वास्तव में है। कौन सा नामी ग्रामी अखबार? उस समय भी नामी ग्रामी था, सन 67 में। अभी भी नामी ग्रामी है, है? अरे 50 साल पहले भी नामी ग्रामी था, अभी भी नामी ग्रामी। कौन सा अखबार? हिंदी का, अंग्रेजी का, अरे था हिंदुस्तान टाइम्स, है। और फिर दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया है। कोई एक दूसरी अखबार है। तो किसी ने कहा स्टेट्समैन, हाँ स्टेट्समैन शायद बंगाल में अच्छी चलती है। तो किसी ने कहा हाँ, तो थोड़ा थोड़ा एक वर्ष के लिए 2-3 हजार रुपए का ले ले, जो कभी कभी ये सब डालते रहे अखबार में अच्छी जगह में। तो ये जो बिगर देखे चिल्लाए पड़ते हैं ना लोग, ये निंदा करते हैं, ये फलाना करते हैं, अब अपनी निंदा विंदा तो कोई होती नहीं है, है? और राय करके फिर वो बाबा समझाते रहते हैं कि ये भी डालो, ये भी डालो। वाह, तो अखबार अपनी निकालनी चाहिए, है? हिसाब करके निकालनी चाहिए। क्या होगा? अरे 10-20-50 हजार खर्चा होगा उस समय की बात, और क्या होगा? वो जो अपन को चाहे सो हम लिखते रहे, अपनी अखबार होगी तो हम जो चाहेंगे सो लिखेंगे। और हम तो लिखते हैं सब राइट, क्योंकि बाप बच्चों को सब राइट सिखलाते हैं। राइट यस बाप, तो क्या सिखलाएगा? राइट यस ही सिखलाएगा ना। जैसे वो भक्ति मार्ग में नाभि कमल से वो नेहरू को निकाला, किसकी नाभि कमल से है? नाभि कमल से वो नेहरू को निकाला, वो गांधी से वो निकाला है, गांधी से नेहरू को निकाला। तो तैसे तुम भी लिख सकते हो कि ये है विष्णु, है? और ओम मंडली में यज्ञ के आदि में ये विष्णु की नाभि कमल से निकला। कौन कौन निकला? हाँ लिखो, ब्रह्मा निकला। हाँ,
तो तुम लिख सकते हो। जैसे वो कुछ भी लिख देते हैं तो तुम भी लिख सकते हो। अपना अखबार कुछ भी लिखो, तो ये तो है ही है। फिर ब्रह्मा की नाभि कमल से तो ये लिखत तो बहुत है ना बच्ची। अखबार के लेख निकल पड़ेंगे, तो अगर अखबार भी निकालें और दो तीन बड़े सेंटर से भी खुल जाए तो फिर कोई ऐसे नहीं समझेंगे कि ये कोई छोटी है कोई संस्था क्या। समझेंगे, कब की बात बताई, भविष्य की कि 67 की। हाँ, भविष्य की बात बताई। ऐसे नहीं समझेंगे कि ये कोई छोटी संस्था है, नहीं तो क्या समझे। समझेंगे कि ये छोटी संस्था है। भविष्य की बात बताई, छोटी संस्था है तो इनको कोई उड़ा सकेंगे कोई, माने बड़ी संस्था वाले है। जैसे आज, आज क्या है, आज तो 50 साल के बाद आध्यात्मिक विद्यालय छोटी संस्था है या बड़ी संस्था है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के मुकाबले। छोटी संस्था है, तो बाबा ने तो पहले से ही इशारा दे दिया। हाँ, वो समझेंगे कि कोई छोटी संस्था है तो इनको तो कोई भी यूं चुटकी में उड़ाए देंगे, ब्रह्मा कुमारियां इनको उड़ाए देंगे। या उनके ऊपर कोई जोर रखा ही सकेंगे है, कोई जोर जबरदस्ती रखेंगे, भाई तुम अपने विद्यालय के नाम में से यूनिवर्सिटी हटा दो, जबरदस्ती हटाएंगे हाई कोर्ट से बुलवा के हटाओ। तो कोई जोर रखा ही सकेंगे, अब हाई कोर्ट का तो जोर होता है ना। अरे ऐसे नहीं होगा। क्या कैसे, आके तुम वो कि हाई कोर्ट बोल दे और तुम हटाए दो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, ऐसे नहीं होगा है। हाँ, थोड़ा हो हल्ला ना मचाएं तो विश्व के ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र लटका दो, गोले का चित्र लटका दो, दिखाई नहीं पड़ेगा तो समझेंगे हाँ इन्होंने मिटाई दी। तो ये ही ख्यालात कर करके, क्योंकि बाहर में नाम तो प्रभाव तो निकालना होता है ना, तो बाबा तो कहते हैं अखबार से भी प्रभाव निकालेंगे। क्या, और ये तो ठीक है, बच्चे रोज पॉइंट सुनते रहते हैं, सो बच्चे जाने और बाप जाने। फिर बच्चों के अलावा और बाप के अलावा और दुनिया में कोई जाने नहीं, और कोई जानेगा नहीं, और न जाने कोई है। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, तुम ही तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो और न जाने कोई। अभी और कैसे जाने, और कैसे जाने, तो उसकी युक्ति रचनी चाहिए।
तो अभी बाबा तो देते हैं ऐसे निबंध कि ये करना चाहिए, फिर बच्चों को या प्रदर्शनी कमेटी को है? उस समय कौन सी प्रदर्शनी कमेटी? जड़ चित्रों की है? और इस समय अब 50 साल के बाद भी जो जड़ चित्रों की कमेटी नहीं है? अब तो चैतन्य चित्र तैयार होने चाहिए ना हाँ। तो प्रदर्शनी कमेटी को जो आजकल के समय में देखा जाता है कि कोई सोई पड़ी है कमेटी, क्योंकि सुनते तो रहेंगे ना। बाबा कहते हैं तब प्रदर्शनी कमेटी या म्यूजियम कमेटी सोई पड़ी है। तब आवा की बात अभी छोड़ो, तब की बात है हाँ। प्रदर्शनी कमेटी सोई पड़ी है, नींद बहुत आती है तो सोएगी ना? हाँ सोई पड़ी। कोई इतना ध्यान नहीं देती है, इतना माने जितना देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देती है कि बाबा का क्या विचार है। और जब बाबा कुछ कहते हैं तो जरूर बाबा लिखा पढ़ी बाबा से करेंगे कि बाबा ये हम इनको दृष्टि दिया है, इनको अच्छी तरह से समझाया है और इनसे किफायत से मिल सकते हैं, तो कुछ अखबार में भी लिखे हुए और कुछ अपनी कोशिश करें अखबार बनाने की। लिखा है जयपुर वालों ने है, भले बाबा मुरली में चलाया है परंतु जयपुर वाले कुछ लिखा है कि फलाने फलाने अखबार वाले जो छपते हैं वो बोलते हैं खाली खर्चा जास्ती नहीं होगा, इस थोड़े खर्चे में ही छपाई सकते हो। एक अखबार जहां छपती है वहां दूसरी भी छप सकती है, तीसरी भी छप सकती है। तो ऐसे सोए पड़े नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ ठक ठक करनी चाहिए। या कोई ऐसी बात होवे तो उनको, क्योंकि तुम्हारे पास तो सभी सत्य ही सत्य है और वहां तो उस दुनिया में फिर सभी असत्य है, है? बताया ना, झूठ ही झूठ सच की रत्ती नहीं। जैसे तुलसीदास ने क्या लिख दिया, झूठ है लेना झूठ है देना, झूठ है भोजन झूठ जब है, कलयुग की बात लिखी। तो सत्य की भी तो एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो कुछ तो चाहिए ना, कुछ न कुछ
के इतने बच्चे हैं। अभी बाबा कहते हैं ना, बच्चों ने अभी इतने जोर नहीं भरे, क्योंकि हिसाब किया जाए तो, क्योंकि संपूर्ण तो कोई है, संपूर्ण तो कोई कोई तो बनता है ना, तो अभी कितने बरस हो गए, तो आस्ते 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 हल चलता ड्रामा के अनुसार। तो देखने में आते हैं कि अभी कुछ थोड़ी तीखी ये पुरुषार्थ चलना चाहिए, धीमे पुरुषार्थ से नहीं चलेगा। तो बाबा फिर बताते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ करो, धीमा पुरुषार्थ में क्या होता है, कुछ अलबेलापन आता है, कुछ नींद आती है, सोचते हैं अरे कर लेंगे। तो बाहर में कुछ नाम जास्ती होगा, तो बाबा तो बताते रहते हैं। 20/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तो हरेक, क्योंकि तुम्हारे लिए बाबा नहीं सिर्फ कहते हैं, बाबा तो सबके लिए कहते हैं, तुम तो सामने बैठे हो, कहते तो सबके लिए है ना, अब सामने बैठे हैं वो पहले सुनेंगे, भले तुम तो फिर भी कानों से सुनते हो ना, है कानों से ही सुना जाता है, अच्छी तरह से सुनते हो, अच्छी तरह से माने जो बाबा डायरेक्ट एक्यूरेट बोलते हैं वो एक्यूरेट तुम सुनते हो, वो टेप रिकॉर्डर से या जो टीवी से जो देखते हैं सुनते हैं वो उतना एक्यूरेट थोड़े ही, उनको वाइब्रेशन थोड़े ही मिलेंगे, तो वो तो पढ़ेंगे सुनेंगे। तो कई बच्चे बड़े शौक रखते हैं कि हम सर्विस करें, कई तो फिर ऐसे हैं जो ठंडे पड़ जाते हैं, समझे ना, कोई ना कोई बात के ऊपर आपस में ही नाराज हो जाते हैं, बस नाराज हुआ ना तो फिर क्या होता है, सर्विस से दिल हट। ये अनुभव बाबा कहते हैं, कोई नाराज हुआ कोई बात में या किसकी न सुनी, हाँ उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, नहीं सुनी, क्योंकि न सुनी सो भी तो कोई कारण होगा ना, जो नहीं सुनते हैं तो अहंकार में आकर के क्रोध में आकर के वो सर्विस ही छोड़ देते, वो जाएगा और बाबा उनके ऊपर कुछ कहते हैं तो फिर उनको फीलिंग आती है। जाएगा यहां से छोड़ करके तो बाबा कुछ कहते हैं तो उनको मिलेगा ना, हाँ पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनको फीलिंग आती है, पीछे वो जो सर्विस है ना वो छोड़ देते हैं, छोड़ भी देते हैं ना, हाँ ऐसे बहुत बच्चे हैं
जो कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी, किसके लिए कुछ कहा ना, तो बाप को तो हक है कुछ भी कहने का। वो इतने हैं ना ढेर के ढेर सभी, तो वो ढेर के ढेर बच्चे यहां बैठे बैठे करके कुछ कह भी सकते हैं, समझानी तो दे सकते हैं ना। अभी बैठ करके एक का नाम सुनेगा, फलाना करेगा, नहीं, बाप तो कभी भी कह देते हैं और मेजॉरिटी में भी कहते हैं कि बच्चे बच्चे तो अभी ठंडे हैं भाई, यहां यहां एक दो में कितना इतना रुक नहीं देते हैं मिलकर के। वो जो कहते हैं कि सतयुग में शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते थे एक घाट पर, यहां तो ऐसे नहीं देखने में आते है। कोई ज्यादा ताकतवर होगा खूंखार है तो थोड़ा सा कुछ बोलेगा उसे चढ़ बैठेगा, ऐसे है ना, हाँ चढ़ बैठते हैं। तो सतयुग में जैसा होता शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते थे वो अभी तो नहीं देखने में आता है, मिसाल दिया शेर बकरी का। तो वो बच्चों की अभी अवस्था अवस्था नहीं आई है, तो वो अवस्था आवे उनके लिए बाबा कुछ न कुछ जंगते रहेंगे, कुछ न कुछ कहते रहेंगे है? कहते रहेंगे भविष्य के लिए बताए ना, हाँ कौन से भविष्य के लिए बताए है? कि जब तुम त्रिमूर्ति के समझाने की बात अपना अखबार बनाने के लिए कोशिश करेंगे और डालेंगे या बड़े बड़े अखबारों में डालेंगे तो कुछ न कुछ कुछ न कुछ बाबा तो जंगते रहेंगे कहते रहेंगे। तो अभी तो कितने साल हो गए, अरे 50 साल हो गए ना 67 को, अब बाबा कुछ कहते रहते हैं कि नहीं, जंग जंग करते रहते हैं कि नहीं, अरे कि जैसे ब्रह्मा बाबा पहले बड़े प्यार से जैसे अम्मा समझाती है ऐसे समझाते रहते थे, या अभी कुछ जंग जंग करते रहते हैं, हाँ करते रहेंगे क्योंकि बच्चे तो कहते हैं बाबा प्यार करो, हा? बाबा प्यार करो चाहे ठुकराओ, है? कौन कहते रहते हैं? जो और उस बच्चे हैं वो कहते रहते हैं, हा? बाकी जो जिनको दूसरी दूसरी विष्णु विष्णु पार्टियों में जाना होता है शूटिंग करते रहते हैं दूसरा बाप बनाने की, उनको और उस बच्चे कहेंगे कहेंगे, हा? हाँ उनको थोड़े ही बच्चे कहेंगे, बच्चे तो कहते हैं बाबा प्यार करो चाहे ठुकराओ चाहे मारो, परंतु ऐसे ये गीत है बच्चों को है, चाहे प्यार करे या ठुकराए हम तो हैं तेरे दीवाने सनम। हर बच्चों को बाप मिला भी है, परंतु वो अवस्था रही नहीं है। कौन सी अवस्था? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए चाहे मारे पीटे, वो अवस्था रही पड़ी है। अरे बात मत पूछो, थोड़ा कोई कुछ कहे, अबे माँ बेटी ये देखो
ऐसे नहीं कि इनके आगे आंखें बंद करके दिखाओ, आंखें बंद कर दियो, नहीं, इन्हें लक्ष्मी नारायण की जो तुमको अहम ऑब्जेक्ट दी है वो अच्छी तरह से देखो। है? क्या सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सारी लिखत देते हैं ना, तो वो कोशिश कर करके जितना ऊंच पास हो पाओ हो जाओ, जितना ऊंच बने। अब पढ़ाई और पुरुषार्थ तो नंबरवार होगा ना, तो जो जितना ऊंच चढ़ सके, ये तो विश्व के मालिक हा? अब इतने नहीं उड़ सकते हो तो चढ़ सकते हो तो 8 में नहीं तो 108 में, 108 में नहीं तो ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं कही जाती हैं उन 1000 भुजाओं उनमें नहीं तो क्या 16108 में। और सभी तो राजयोग सीखते हैं ना, राज परिवार के हैं कि नहीं हा? तो जितना ऊंच पास हो जाओ है कोशिश करके हा? उतना धारण करो। टीचर तो हमेशा ऐसे ही कहेंगे ना, भले यहां का ये जो टीचर है, है? कौन यहां का 67 की बात बताई, यहां का ये जो टीचर है बाजू में बैठा हूं ना जिसके, हाँ ये जो टीचर है वो तो जानते हैं, कौन है? किस टीचर की बात? हाँ ब्रह्मा बाबा की। और जो टीचर्स हैं उनके वो क्लास से कम पास हुआ है, ये जो टीचर है ये तो बाजू में है और उनके क्लास से, माने उनके माने दूर कर दिया, कोई और टीचर भी हैं उनके माने दूर या बाजू में है? दूर, तो उनके वो क्लास से कम पास हुआ, कौन ये माने कौन है? आ ब्रह्मा बाबा। तो उनकी निंदा होती है क्या? इनकी पास वाले की निंदा होती है कि उनकी निंदा होती है? उनकी, दूर वाले जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाले टीचर्स हैं उनकी निंदा होती है, उनको डिग्रेड करते हैं। क्या कैसे डिग्रेड करते हैं? अरे बड़ी बड़ी रिश्वतें दे करके टीवी वालों को, मीडिया वालों को, जो चैनल वाले होते हैं ना उनको, और बड़े बड़े ऑफिसरों को रिश्वत देते हैं और उनसे उनसे डिग्रेड कराते हैं। यहां तो कोई निंदा डिग्रेड की तो कोई बात ही नहीं है, क्या हम किसी को निंदा करेंगे या किसी को डिग्रेड करेंगे? क्योंकि बाप जानते हैं कि ड्रामा के प्लान अनुसार जिन्होंने जो कल्प पहले अपना मर्तबा लिया है वो ही लेंगे है? जिन्होंने नीचे कर्म किए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में, तो मर्तबा कैसा मिलेगा? नीचे मिलेगा। और ऊंचे कर्म किए हैं तो है मर्तबा ऊंच मिलेगा। तो भले 1% की पास होंगे है? 1% माने 100 नंबर का पेपर है, मान लो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का फाइनल पेपर, तो उसमें कोई पूरे ही देहधारियों से चिपक के रहते हैं है? देहधारियों की अपनी देह की याद छोड़ते ही नहीं है, अपनी देह का ही लोन होना लगा हुआ है,
तो बताया वो कितने परसेंट से आप पास होंगे, 1% से। तो होंगे भी तो जरूर ना, नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि ये ड्रामा का ज्ञान सुनाया जाता है ना, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। कोई 1% पास होने वाले और कोई 100% भी पास होने वाले, 100%, और तो कोई सा कोई पास है, ड्रामा की बात नहीं है ना। तो बच्चे भी जानते हैं कि बरोबर ऐसी मार्जिन है इस पढ़ाई में पुरुषार्थ में, क्योंकि बहुत होते हैं ये, और ये तो डायनेस्टी स्थापन हो रही है। क्या कोई अब्बल नंबर की डायनेस्टी, अब्बल नंबर की सत्युग में पीढ़ी होगी, कोई मध्यम, कोई लास्ट, सबकी अपनी अपनी डायनेस्टी तो होगी ना। डायनेस्टी में तो सब होंगे, राजधानी में सब चाहिए। तो वहां कोई स्कूल नहीं है जो बस पास हुआ और ट्रांसफर हो गया है, नहीं, ये तो बहुत बड़ी क्लास है। इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है और बच्चे समझ भी सकते हैं कि कहां राजा, वो कहावत है ना, कहां राजा भोज और कहां गंगुआ तेल। क्योंकि राजा से फिर कम से कम भी पद तो है ना, है ना कि नहीं है? राजा से, राजा सबसे ऊंचा पद, अरे और कम से कम चंडाल के भी चंडाल होते हैं तो उनका पद, प्रजा के भी चंडाल होते हैं ना, तो सबसे कम तो होते तो सही है। टीची डायनेस्टी में कम से कम भी पद होगा तो ना, जरूर होगा। और वो क्यों होगा? तो वो तो पूरा न पढ़ने से फिर वो उस कम पद को पाएंगे, तो उनको भी तो पाएंगे तो जरूर ना, कोई ना कोई तो पाएंगे। तो बाप समझाते रहेंगे ना, कब की बात, भविष्य में समझाते रहेंगे है? या छोड़ देंगे, समझाते रहेंगे कि बच्चे पुरुषार्थ करो। किसके अर्थ करो? पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्म, देह के अर्थ कुछ भी न करो। क्या करो? जो भी करो पुरुषार्थ करो, और जितना हो सके इतना अच्छी तरह से मार्क्स लियो पुरुषार्थ में। रजिस्टर अपना कुछ न कुछ अच्छा बनाओ, काहे का, पुरुषार्थ का, देह अर्थ का नहीं। हाँ, कई का तो रजिस्टर रखना ही फालतू हो जाता है, जो कुछ करते हैं सब देह अर्थ करते हैं, सारा कंसंट्रेशन देह के ऊपर ही, अपनी देह के ऊपर, देह का जिन्हें से संबंध जुड़ता है इंद्रियों से उनके ऊपर। क्या रजिस्टर रख करके करेंगे ऐसों का? बाप पुरुषार्थ तो जरूर कराएंगे। क्या अभी रजिस्टर भी नहीं रखना चाहते? फिर क्या कहा? अरे अभी करें पुरुषार्थ या न करें, आत्मा के अर्थ करें या न करें, बाप तो जरूर क्या करेंगे, पुरुषार्थ कराएंगे, जरूर कराएंगे, कंपल्सन क्यों?
अरे स्वेच्छा से चलने दो ना सबको, ऐसे क्यों कहते हैं जरूर कराएंगे। ये भी समझाएंगे कि मार्जिन देखो क्या से क्या बनने की मार्जिन है, है? क्या से क्या माने कहां राजा और कहां राजा के बड़े बड़े अधिकारी है? मंत्री वगैरह होते हैं ना, हाँ, और कहां छोटे अधिकारी, कहां दास दासी, कहां प्रजा, वो भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, और फिर उनके नंबर वार चांडाल भी, उनके दास दासी भी होते हैं ना प्रजा वर्ग के, कोई बहुत साहूकार प्रजा होती है तो उनके घर में दास दासी होते हैं ना, हाँ। तो मार्जिन तो बहुत है बनने की, क्योंकि बच्चे तो समझते हैं ना, डीजी डायनेस्टी राजा भी बनेंगे वहां तो वहां प्रजा भी बनेगी, नंबरवार प्रजा बनेगी। तो सतयुग ही लिखो, समझो कि अच्छा उसमें 9 लाख आदमी हैं, हैं? सतयुग में अच्छे से अच्छी पीढ़ी होगी, अच्छे से अच्छी डायनेस्टी होगी, वो कितने होंगे, वो पूरी डायनेस्टी जब बन जाएगी तो 9 लाख होंगे, हैं? फिर 9 लाख हैं, 10 लाख आदमी हैं, कितने भी हैं, क्यों ऐसी ऐसी बातों में अटक क्यों जाना चाहिए, वो तो हमेशा बोल देना। पहले पहले तो पुरुषार्थ कर करके अपना विक्रमाजीत तो बनो, विक्रमाजीत अपने जो पाप कर्म है विपरीत कर्म है उनके ऊपर तो जीत पहनो, फिर जो कुछ होना होगा वहां सो आप ही होगा। पहले सतो प्रधान तो बनो ना, जैसे ये सतो प्रधान बने हैं, कौन है, लक्ष्मी नारायण जो लाइट के वाइब्रेशन के बीच में खड़े हैं ना, है? इंद्रियों से सुख भोगने वाले हैं या इंद्रियों से परे है वाइब्रेशन का सुख भोगने वाले या इंद्रिय सुख भोगने वाले, हा कौन सा सुख भोगने वाले, हा तो ये सत्व प्रधान बने हैं, सत्व गुण में भी प्रधानता है इनकी। जैसे गांव होता है ना, तो कोई कोई गांव में कोई एक आदमी प्रधान होता है ना, बड़ा माना जाता। तो देखो ये ऊंच पद पाया ना, तुम भी कोशिश करके फिर इनके मुआफिक बनने का पुरुषार्थ करो। ये तो तुम बच्चे समझते हो, ये जरूर ये अभी देखो है, है? देखो है? ये अभी है तो सही ना, किसकी तरफ इशारा किया, किसकी बात हो रही थी, हा लक्ष्मी नारायण जो आदि लक्ष्मी नारायण है, हैं हा वो अभी है तो जरूर ना इस दुनिया में कि नहीं है, है तो जरूर, तो जरूर ये सतो प्रधान यही बनने का है, ऐसे नहीं सतयुग में बनने का है, क्योंकि इनके अलावा कोई दूसरी आत्मा तो होगी नहीं, आत्माएं तो यही है सब, जो ड्रामा में है सो है, सीढ़ी भी सब यही उतरती है। तो सतयुग में पहली पीढ़ी में जितने भी होंगे 9 लाख 10 लाख वो सब जन्म लेते लेते उतरेंगे 84 की सीढ़ी
तो इसी लास्ट जन्म में उतरते हैं ना, उतरते हैं। पुनर्जन्म भी यहीं लेते रहते हैं। तो 84 का पाठ भी तुम्हारा उसमें नुदा हुआ है। तुम्हारा माने किसका? तुम बच्चों का जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करने की युक्ति सीखते हैं, उसमें तुम्हारा पार्ट भी नुदा हुआ है। कितने के अंदर है? अरे 9-10 लाख के अंदर तुम्हारा पार्ट नुदा हुआ है कि नहीं? तो वो आत्मा है तो कहां जाएंगी? नहीं ना बच्चे, जो यहां सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, तुम बच्चे ही सुनते हैं ना। म्यूजिक बजा, सिकील धे, सर्वसीबुल बफादार, फरमान बरदार। कैसे कैसे बहुत से टाइटल दे दिए इनमें से। हाँ बताया आज्ञाकारी। और ये कौन कहते हैं? क्या सिकील दे माने बहुत समय के बाद मिले हुए, तो बड़े सिख से मिलते हैं, सर्व से बोले वफादार। क्या वफादार माने कौन से संबंध में वफादारी होती है जानते हो? पति पत्नी के संबंध में वफादारी। तो बाप के साथ तो तुम्हारे सब संबंध है ना, एक ही बाप है जिससे तुम्हारे संबंध है। तो वफादार और फिर फरमान बरदार है। जिसके सामने फरमान बरदार, जो फरमान हुआ हजूर कौन? गुरु के सामने तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो गुरु के सामने फरमान बरदार। और आज्ञाकारी किसके सामने? बाप के सामने आज्ञाकारी। तो समझा, ये जो इतने टाइटल सुनाए दिए ये कौन कहते हैं? अरे बेहद का बाप कहते हैं। बेहद का बाप कौन? बेहद का बाप, अरे कोई बुद्धि में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया। अरे बेहद के दो बाप हैं, दोनों कंबाइंड हैं। कंबाइंड हैं कि अलग अलग है? कंबाइंड हैं। तो बेहद का बाप फिर किसको कहते हैं? अरे उन हद के बच्चों को नहीं कहते हैं जिनको दुनिया पढ़ाती है। छोड़ छोड़ के चले जाते हैं विष्णु पार्टियों में और दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग करते हैं, हैं? वो तो हद के बच्चे हो गए, दुनिया वाले हो गए कि बाप के बच्चे हुए? दुनिया वाले हुए। तो फिर बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देखो कि आज तुम हैं क्या, कल दूसरे होंगे, परसों चौथे होंगे, कभी 200 होंगे, कभी 300 होंगे सामने। तो कहेंगे सबके लिए, कहेंगे क्या कहेंगे? बाप तो ऐसे ही कहेंगे, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार है। बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट।